प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदर हॉस्पिटल में फीता काटकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा महानगर के अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में रक्तदान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने युवा मोर्चा के इस प्रयास को सराहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर लगाना युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के देश और समाज के प्रति सेवा और समर्पण को दर्शाता है, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिस पर पूरे 15 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा रक्तदान का कार्यक्रम कर रही है, जिसमें 272 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और 40,000 यूनिट ब्लड दान करने का लक्ष्य रखा गया है। रविवार को स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, युवा मोर्चा के हर्ष श्रीवास्तव, रजत गुप्ता, संजू यादव, कर्मवीर सिंह, उत्कर्ष सिंह, शशांक सोनकर, आशीष ओझा, अभय सिंह, आयुष द्विवेदी, प्रदीप निषाद, शुभम मिश्रा, अमित नारायण मल, राहुल चौबे, राहुल गिरी, शुभम सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, प्रिंस जायसवाल, राहुल शाहनी, विश्वजीत सिंह सोलंकी, चंदन यादव, दीपक सिंह, अमित कुमार, राहुल जायसवाल, विकास पांडे, वरुण शेखर राम, चंदन पांडे, महेंद्र सिंह, संतोष चंद, अनुपम गौरव गुप्ता, विजेंद्र प्रताप सिंह, श्वेत विकास, अविनाश कुमार, जितेंद्र गुप्ता, सुमित मौर्य, मनीष दुबे, वैभव दुबे, दुर्गेश मिश्रा, सूरज सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, अरे यार कैमरा थोड़ा उठा लो भाई। सर भेजिएगा मत प्लीज सर। आ गया सर। सर इसको लीजिए नीचे से। अब लो रुक रुक लो लो ठीक होगा वैसा निश्चिंत रहे। जन्म दिवस 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में एक सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। उसमें पूरे 15 दिन तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को पार्टी ने डिजाइन किया है। आज 17 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में 272 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर का आयोजन करके रक्तदान कर रहे हैं। हम लोगों ने 272 स्थान चिन्हित किए हैं और 40,000 से ज़्यादा यूनिट का लक्ष्य हम लोगों का है। इस प्रकार से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। कल स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम है, आगे दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन है, उसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो आज गोरखपुर महानगर और गोरखपुर जिले के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता आज रक्तदान करेंगे। मेरी ओर से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री को दीर्घायु होने की शुभकामनाएं देते हैं। मैं पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गोरखपुर आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के हमने बैठकें की हैं और बैठकों में हमारे जो चुनाव है नगर निकायों के, विधान परिषद के,
उसकी तैयारी हम लोगों ने की और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोग बेहतर परिणाम के लिए नगर निकाय चुनाव में उतरेंगे और MLC चुनाव में उतरेंगे।